कभी इस दल में कभी उस दल में। और मुझे अध्यक्ष जी वो कह रहे हैं कि हमने राजीव राय को सेट कर लिया है। अरे जाओ मंत्री जी, मनोरंजन मंत्री जी, चार दिन के मंत्री जी, पैरों पर गिर कर मंत्री बनने वाले मंत्री जी, शरण वंदना करके मंत्री बनने वाले मंत्री जी, भूख को चाटने वाले मंत्री बनकर मंत्री बनने जी, आपकी हैसियत सही है, आपकी औकात भी है राजीव राय को खरीदने की और राजीव राय को सेट करने की। आप जैसे जाने कितने मंत्रियों को बनाया है और बिगाड़ा है राजीव राय। और 5 तारीख को आप पैदल हो जाओगे, लेकिन हम बदले फिर भी लेते रहेंगे। जहां से भी आप अपने बबुआ को अगर चुनाव मिला, घूमते घूमते जाओगे, भोसी के लोग जाएंगे और बताएंगे कि इसने हमको गाली देने का काम किया था, इसने हमारे प्रधानों को बेइज्जत किया था, इसने हमारे जिला अध्यक्ष को बेइज्जत किया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को बेइज्जत करने का काम किया। ऐसे लोग और प्रत्याशी महोदय है, भाषा सुन रहा ना, मैंने पत्रकार साथियों से अनुरोध किया, एक तो यही दिख रहा है कि उल जमूल की बातें मनोरंजन के लिए अच्छी लगती है। भोसी के लोगों को 20 सालों से इस बात का इंतजार है कि उनके मुद्दों की बात कब होगी, कल्पनाथ राय जी के बाद जो विकास हो गया है उस विकास पर बात कब होगी। पत्रकार साथियों ने जाकर पूछ दिया प्रत्याशी महोदय से कि राजीव राय कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर बात कब होगी। अरे यार बोलो ना, विकास के खोज के लिए हम बात कर ली, ये उनकी बौद्धिक क्षमता है। विकास हम खोज के लिए तो बतिया रहे हैं, लेकिन विकास से बुरा गेरा जे मंत्री रहते अपने गांव के खड़ंजा न बनाओ, पहले वो आपकी पीजीआई बनाओ, तो दिल्ली मॉडल स्कूल बनवाओ, तो सड़के चकाचक कर रहे और आकर बोल रहे हैं कि यहां मौका विकास नहीं हुआ है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, गांव की सड़कें टूटी हुई है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। इतना नहीं पता है कि 7 साल से यहाँ 10 साल से दिल्ली में तुम्हारी सरकार है, जिसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको कहाँ भेजोगे, पूछना होगा कुछ और, पूछने लगेगा कुछ और। और बाबू जी कहते हैं कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो दिल्ली, मेरे बेटे को सांसद बना दो, मैं दिल्ली मंत्री बनाऊंगा तो बहुत माल लेके आऊंगा। फिर कहते हैं कि मुझसे दिल्ली वालों ने कहा कि कौन सा मंत्रालय लोगे, तो मैंने बोला वही जो मुख्यमंत्री के पास है, उसमें माल बहुत ज्यादा है, और सोच देख लीजिए, वहां से ले आ दो तो माल ले आऊंगा, मंत्री बना दो तो माल ले आऊंगा, उसे भी पेट नहीं भरा तो कोई पैसा लेकर जा रहा हो तो 10 लाख में से 9 लाख लूट लेना, 1 लाख पुलिस को बता देना। मैं जोगी जी से मांग करता हूं, पत्रकार साथियों ये बात बढ़नी चाहिए, बात छोटी मोटी नहीं है, कल आपको भी लूटा जा सकता है, कल इस बेटी को भी लूटा जा सकता है, ये बात बननी चाहिए। माननीय योगी जी, ये व्यक्ति जो लूटने की बात करता है, आपके मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री के काबिल नहीं है, वैसे भी आप इसको मंत्री बन के चलने नहीं देंगे।